नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में विद्यमान सात चक्र और ज्योतिष। यानी दोस्तों, हम ये बताएंगे कि ज्योतिष में हमारे शरीर में जो सात चक्र बताए गए हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, वो किस प्रकार से ज्योतिषीय ग्रहों के अनुसार कार्य रूप काम कर रहे होते हैं या हमारे लिए अच्छे या बुरे परिणाम दे रहे होते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो सात चक्र होते हैं उनके विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कौन सा चक्र बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर वो चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे शरीर में जो बेसिकली जो सात चक्र हैं उनमें से छह चक्रों को हमारे लिए ग्रहों के अनुसार रखा गया है या ग्रहों को उनके अनुसार शरीर में रखा गया है। उनके होने या ना होने से क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं या उनकी राशियां या उनके ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको आज इस पोस्ट के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि मुख्य रूप से मेरा ये चैनल किशोर एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष का है और ज्योतिष से रिलेटेड जो भी क्षेत्र इसमें आते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम आपको उन सब से संबंधित कोई ना कोई ज्ञानवर्धक जानकारी आप लोगों को देते रहें। हमारी पिछली पोस्टें जो कि लगातार आप लोग देख रहे हैं जिनमें चमत्कारी फलादेश या सूत्र बताए जा रहे हैं, आप लोग उसको सराह रहे हैं और अच्छे रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं, इस सबके लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ मैं दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल किशोर एस्ट्रोलॉजी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि आप मुझसे यानी कि डॉक्टर किशोर भिल्याल से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई ज्योतिष समाधान चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपके स्क्रीन पे थंबनेल्स पे दे दिए जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पर। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बेसिकली ये हमारे शरीर के सात चक्रों में से छह चक्र। जी हाँ दोस्तों, सात चक्र आप सब जानते हैं शरीर में होते हैं, लेकिन छह चक्रों को ज्योतिष दृष्टिकोण से रखा गया है। तो आज मैं उसी पर ही आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि ग्रह नक्षत्रों का जो हमारे जीवन पे कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही रहता है, ये सब आप जानते हैं। और वो किस ना किसी रूप में जो प्रभाव देते हैं वो क्या होंगे ये हमें शारीरिक रूप से समझना होता है। इन ग्रह नक्षत्रों के संदर्भ में अगर हम विशेष बात की बात करें तो ये ग्रह नक्षत्र शरीर में सूक्ष्म संबंध बनाकर रह रहे होते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं एवं व्यक्तित्व प्रभावित होते रहते हैं। दोस्तों तो अब ये जो ग्रह नक्षत्र आकाश में घूम रहे हैं और जो जन्मकालीन स्थिति में हमारी कुंडली में है उनके अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर में जो सात प्रकार के चक्र दिए गए हैं उनमें से छह चक्रों की इंपॉर्टेंसी रखी गई है ज्योतिष दृष्टिकोण से। एक जो हमारा चक्र है उसको इससे अलग परे हटाया गया है तो वो भी मैं आपको बता दूं। हमारे शरीर में ग्रहों का संबंध सूत्र स्थापित करने के लिए हमारे शरीर में स्थित चक्र बनाए गए हैं या चक्र दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा। इन चक्रों में ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा स्वास्थ्य सकारात्मक और क्रियाशील होती है तो हमें सकारात्मक लाभ मिलते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये ऊर्जा दूषित हो जाए, नकारात्मक हो जाए या कुछ अलग अवरुद्ध हो जाए, ब्लॉक हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होगा, उसके साथ साथ उसे बीमारियां भी हो जाएंगी और उसके आसपास का ऑरा मंडल खराब होने से आसपास का वातावरण या आसपास के लोगों को भी उससे तकलीफें मिलने लग जाती हैं। प्राण ऊर्जा जैसे कि आप सब जानते हैं ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे चिकित्सा का एक माध्यम होती है जो रोगी को शरीर में बिना स्पर्श किए हम लोग जो है शरीर में पहुंचा देते हैं और सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों को वो एक्टिवेट कर देते हैं। उसमें से जो दूषित पदार्थ है या जो नेगेटिव एनर्जी है उनको हटा दिया जाता है और उस ऊर्जा को स्थिर करके उन चक्रों में फिट कर दिया जाता है जिससे आपका काम बेहतरीन चलना होता है, जिसको हम रेकी चिकित्सा के माध्यम से भी समझते हैं। वर्तमान में ऐसी बहुत सारी टेक्निकें आ गई हैं जो हमारे शरीर को एक ऑरा के तहत दिखा देती है कि हमारे शरीर में कौन सा ग्रह या कौन सा चक्र डिसबैलेंस हो रखा है या अवरुद्ध हो रखा है, उसकी ऊर्जा अगर हमें वो किसी भी प्रकार से पहुंचा दी जाए जैसे कि आशीर्वाद के स्पर्श के रूप में, रेकी के स्पर्श के रूप में या डॉक्टरी इलाज के रूप में हमारा इस प्रकार से उसको बैलेंस कर दिया जाता है और हमारा शरीर फिर से पहले की तरह क्रियाशील हो जाता है। और शरीर में प्रभावित होने वाली जो ऊर्जा है उसका स्वरूप और आकार प्रकार आप भली भांति ऑरा रीडर के माध्यम से या ऑरा स्कैनर के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ विद्वान जो कि रेकी एक्सपर्ट होते हैं वो लोग भी ऑरा चक्र के द्वारा या ऑरा के द्वारा जो आपके ग्रहों के द्वारा जो आपके चक्रों में जो रंग आ रहे हैं वो दिखा पाते हैं या दर्शा पाते हैं कि कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। शरीर में स्थित जो चक्र है उनको जागृत करने के लिए हमें बहुत सारे क्रिया करनी पड़ती है और अधिकतर जो बड़े लोग होते हैं जैसे कि ज्ञानी ऋषि मुनि सिद्धि प्राप्त लोग वो जब साधना करते हैं तपस्या करते हैं तो उनके अंदर ये ऑरा कुदरती रूप से डेवलप हो जाती है। अनेकों साधु तपस्वी और ऋषि मुनि साधना के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए सूक्ष्म शरीर के चक्रों को जगाना थोड़ा सा मुश्किल काम तो होता है, लेकिन अगर आप विशेष जीवन के तरीके से जीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन चक्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होने के साथ साथ आप उनको जगाना या घटाना बढ़ाना समझ सकते हैं।
हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे सूक्ष्म चक्र रखे गए, लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्र रखे गए हैं, और योग की भाषा में इन्हें जो हम सप्त चक्र भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ कुल हम ज्योतिष दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष दृष्टिकोण से हम बात करेंगे 60 चक्रों के। जी हाँ दोस्तों, 6 चक्र जो हमारे शरीर में दिए गए हैं, उनमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र एवं आज्ञा चक्र। अब ये चक्र जब हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं तो उनको जगाने पर हमारा एक 7वां चक्र जो होता है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वो जागृत हो जाता है। 7 चक्रों की बात इसलिए कही गई है कि हमारे स्थूल शरीर की सीमा के ऊपर जो एक आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर जो आता है आपका सहस्त्रार चक्र, और जब आज्ञा चक्र तक हम पहुंच जाते हैं तो सहस्त्रार चक्र जाग जाता है या जगा दिया जाता है। और जब वो जग जाता है तो व्यक्ति की सीमा जो है, दायरा बढ़ जाता है, व्यक्ति अपने दायरे को पार करके व्योम में चला जाता है। इसलिए कहा गया कि हमारा स्थूल जीवन मुख्य रूप से 6 चक्रों के माध्यमों में रहता है या उनके दायरों में रहता है। बात कर लेते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हर चक्र की विशेष प्रकार की ऊर्जा जो सोई रहती है वो किस प्रकार से काम करती है। हर चक्र किसी एक ग्रह से संचालित होता है। जो ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में कमजोर होता है, जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ज्योतिष दृष्टिकोण की, जो ग्रह हमारे जन्म पत्रिका में कमजोर होता है उस ग्रह से जुड़ा हुआ चक्र भी कमजोर हो जाता है, और उसके द्वारा जितने भी संचालित विषय होते हैं उनमें हमारी कमजोरी नजर आने लगती है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक एक चक्र की बात करूं तो मूलाधार चक्र मानव शरीर में गुदा स्थान के बिल्कुल पास में होता है, और ये शरीर के अंग ही पूरे शरीर को संभालता है। ये पूरा शरीर का हिस्सा संभालने के लिए माना जाता है मूलाधार, यानी इसको रूट चक्र भी कहा गया है। इस चक्र का स्वामी शनि है और इसकी दोनों राशियां मकर और कुंभ होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का शनि ग्रह या ये दोनों राशियां पीड़ित हो तो इस चक्र के माध्यम से उसके शरीर में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस चक्र का वर्ण जो है रक्त है, यानी लाल रंग का ये होता है, और इसके 4 वर्ण माने गए हैं जिनके अक्षर क्रमशः व और षटकोण वाला श माना गया है। इस चक्र को मुख्य रूप से गणेश जी की स्थापना मानी गई है, या गणेश जी की पूजा करने से इस चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। दूसरा चक्र हमारे पास जो आता है वो आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि हमारे शरीर में हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स यानी लिंग के पास स्थित होता है, लेकिन मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर होता है। अब बात करते हैं, इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और इसकी राशियां आप सब जानते हैं धनु और मीन है। बृहस्पति संतान कारक ग्रह है, संतान उत्पत्ति में इस चक्र की विशेष उत्पत्ति मानी गई है। यदि कोई व्यक्ति बृहस्पति ग्रह या धनु राशि से पीड़ित होता है तो इस चक्र के डिसबैलेंस या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के कारण संतान संबंधी चीजों में परेशानी होती है। इस चक्र के अधिष्ठात्री देव विष्णु माने गए हैं, यानी विष्णु की पूजा की जाए तो इस चक्र से संबंधित परेशानियों का हल मिल जाता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि हमारे नाभि के पास होता है, और इस चक्र का स्वामी मंगल माना गया है, और उसकी राशियां आपसे जानते हैं मेष और वृश्चिक है। इस चक्र से शरीर को अग्नि प्राप्त होती है, और भोजन पचाने की क्रिया या भोजन की पाचन क्रिया इस चक्र पर निर्भर करती है। यानी अगर ये चक्र डिसबैलेंस हुआ तो आपका भोजन आप शरीर में ठीक से पचा नहीं पाएंगे और आपकी शारीरिक वृद्धि नहीं होगी। मंगल ग्रह के लिए मेष और वृश्चिक राशि मानी गई है। अगर मंगल ग्रह खराब हो, मेष या वृश्चिक राशि पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति के प्राय नाभि स्थान में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। नाभि का अपने स्थान से हटना, धरण का उठ जाना, ये सब चीजें इसमें आती है, और पाचन क्रिया इसमें खराब होने लगती है। इस चक्र के देवता हनुमान जी माने गए हैं। अनाहत चक्र हमारे हृदय के पास यानी दिल के पास होता है, इसका स्वामी माना गया है शुक्र, और इंटरेस्टिंगली इसकी राशि है वृषभ और तुला। शुक्र क्योंकि प्रेम कारक ग्रह माना गया है, तो ये किसी भी कारण अगर शुक्र पीड़ित हो या इसकी दोनों राशियां वृषभ और तुला पीड़ित हो तो व्यक्ति के काम जीवन यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। और क्यों इससे जब प्रॉब्लम आती है तो स्ट्रेस या तनाव बढ़ने के कारण हमारे हृदय संबंधी रोग भी बढ़ने या घटने लग जाते हैं, और ऐसे अधिक प्राय व्यक्ति जो देखे जाते हैं वो तनावग्रस्त माने जाते हैं, क्योंकि काम जीवन को कंट्रोल करने का कारक शुक्र माना गया है। और इस चक्र की देवी जो मानी गई है वो लक्ष्मी जी मानी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ के पास में स्थित होता है। इस चक्र का स्वामी बुध माना गया, जो कि वाणी का कारक है, आप सब जानते ही हैं, और इसकी राशियां मिथुन और कन्या मानी गई है। अब अगर ये दोनों राशियां या बुध किसी प्रकार से पीड़ित हो तो आपके कंठ के साथ साथ आपको वाणी संबंधी दोष भी दे देते हैं, और इसके लिए सरस्वती देवी की पूजा पाठ करने के लिए कहा गया है। ये किसी भी तरह के संगीत गायन कला आदि से इसको जोड़ा गया है, और आप सब जानते हैं वाणी से संबंधित या वार्ता से संबंधित भी बुध ग्रह माने गए हैं। यदि विशुद्धि चक्र में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको बोलने संबंधी दिक्कतें या वाणी संबंधी दिक्कतें मिलेंगी। अधिष्ठाती देवी जैसा मैंने बताया सरस्वती देवी रखी गई है।
आज्ञा चक्र, जैसे कि आप सब जानते हैं, दोनों भवों के बीच में एक स्थान होता है जिसको मेडिटेशन कराने के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। इसके स्वामी क्रमशः सूर्य और चंद्र रखे गए हैं, जिनकी राशियां कर्क और सिंह है। अब अगर किसी प्रकार से सूर्य चंद्र की राशियां या सूर्य चंद्र आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपको आज्ञा चक्र प्रभावित हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति की देखने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी, और अगर सूर्य है तो दूर दृष्टि और अगर चंद्रमा है तो पास की दृष्टि खराब हो जाएगी। ऐसे में चश्मा लगना तो श्योर शॉट हो जाएगा और आंखों से संबंधित बीमारियां भी आपको बनी रहेंगी। सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होंगे तो नेत्र रोग के साथ साथ मस्तिष्क रोग और रक्त जनित रोग भी मिल सकते हैं। इनके स्वामी देवता शिव और पार्वती रखे गए हैं। अब जो अंतिम चक्र जो हमारे शरीर में आ जाता है वह है सहस्त्र चक्र, जो आप जानते हैं हमारे बिल्कुल ऊपर रखा गया है, यानी कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में रखा गया है जहाँ चुटिया बनाई जाती है, और ये सबसे ऊपरी भाग में रखा गया है। इस चक्र में व्यक्ति के प्रवेश होने पर समाधि प्राप्त होती है, व्यक्ति ध्यान लगाने रखता है, ऐसा व्यक्ति जीवन की जितनी प्रपंचता है उनसे मुक्त हो जाता है, परमेश्वर से संपर्क उसका जुड़ जाता है। तो अधिकतर जो बड़े लोग जो होते हैं या जो ज्ञानी महात्मा रहते हैं उनका सहस्त्रार चक्र जगा हुआ होता है, जहां पर क्रमशः ये भी माना जाता है कि सूर्य उस जगह पर उच्च के हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी उपयोगिता हमारे शास्त्रों में दी गई है, लेकिन वो रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सहस्त्रार चक्र जब तक जगेगा नहीं जब तक आपके बाकी के छह चक्र जागृत नहीं हो पाएंगे, और उनको जगाने के लिए ये जो क्रियाएं या ज्योतिषीय उपाय बताए गए वो आपको करते रहने चाहिए। अब ऐसे में परमेश्वर की प्राप्ति तब हो पाएगी जब आप नीचे से ऊपर चल पाएंगे। और इंटरेस्टिंगली यहां मैं आपको बता दूं कि जो मूलाधार चक्र है 90% लोगों की मृत्यु इसी चक्र के कारण होती है, यानी कि जन्म मरण का चक्र मूलाधार चक्र से चल रहा होता है और अधिकतर लोग इसी विषय आसक्ति के तहत मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शरीर में जो हमारे स्थित चक्र हैं ग्रह नक्षत्र और राशियों के माध्यम से हमारे शरीर और मन को प्रभावित या कंट्रोल करते हैं, लेकिन इन चक्रों को प्रभावित करने वाली प्राण ऊर्जा के लिए हमें प्राणायाम, आसन, कपालभाति, ध्यान, समाधि इत्यादि का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है संतुलित होकर हमारा मन प्रसन्न रहे और हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं और उनको ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपको मैंने आज बताने का प्रयास है, मेरा प्रयास रहा है, और आशा है कि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी जो मैंने चक्रों से संबंधित दी है, क्योंकि बाकी विस्तारपूर्वक जानकारी आप सब जानते हैं प्रत्येक चैनल में आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि ये चक्र हमारे शरीर में किस प्रकार से भली भांति काम कर रहे होते हैं, और हमारे शरीर में जब भी कोई राशि इन ग्रहों से संबंधित या ग्रह पीड़ित होगा तो हमारा वो चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट उस चक्र के कार्यकर्ता से संबंधित ग्रहों के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।